या सियासतदान पे बात। थैंक यू मारिया, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन जो आपने फवाद साहब के हवाले से बात की है, फवाद साहब की एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ, एक बात से मैं इतफाक़ करता हूँ। इस बात से मैं इतफाक़ नहीं करता कि मीडिया को आज़ादी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मिली और ऐसा लगता है कि जी प्लेट में रख के उन्होंने हमें आज़ादी दे दी। देखिए, आप अगर हमारी प्रेस हिस्ट्री को पढ़ें, एक किताब है ज़मीर नियाज़ी साहब की, प्रेस इन चेंज, हमारी यूनिवर्सिटियों में तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन वो पाकिस्तान की प्रेस हिस्ट्री के बारे में एक बड़ी ऑथेंटिक किताब है। और उसके बाद एक और किताब जो है वो डेढ़ दो साल पहले छपी है, एफाजुर रहमान साहब की, ऑक्सफोर्ड ने छापी है, वो भी हमारी प्रेस हिस्ट्री के बारे में, उसमें सारी डॉक्यूमेंटेड है हमारी प्रेस हिस्ट्री। और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह जब पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कैसे प्रेस एडवाइस का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह सहाफ़ियों ने उसको रजिस्ट करना शुरू किया, किस तरह पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ कराची शहर में इसको बनाया गया, और फिर अयूब खान के दौर में जब प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1962 के ज़रिए मीडिया पर यानी कि प्रेस पर पाबंदी लगाई गई, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस का आगाज़ कैसे हुआ। एक लंबी तहरीक थी और उस तहरीक को दबाने के लिए जनरल अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो अखबार थे उनके एडिटर्स को अपना मिनिस्टर बनाना शुरू कर दिया। तो अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने अखबार के एडिटर्स को मिनिस्टर क्यों बनाया, इसलिए कि वो चाहते थे कि मीडिया की आज़ादी के लिए जो लोग मुत्तहिद हुए हैं उनका अलायंस तोड़ा जाए। उसमें अल्ताफ हुसैन साहब डॉन के एडिटर थे, उनको अयूब खान ने किस चीज़ का मिनिस्टर बनाया, इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद फिर आप देखें कि जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थी उसका आपस में अलायंस इतना ज़बरदस्त था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन PFUJ का प्रेसिडेंट कभी ईस्ट पाकिस्तान से होता था, कभी वेस्ट पाकिस्तान से, और कभी सेक्रेटरी जनरल वहाँ से और कभी इधर से। तो लेकिन जब यहिया खान के दौर में आपकी मीडिया की आज़ादी को दबा दिया गया, तो उसके खिलाफ एक तरफ सहाफ़ी जो है वो आपको असल कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरी तरफ वो आज़ादी की जंग भी लड़ रहे थे। फिर आप देखें कि जनरल ज़ियाउल हक़ का दौर जो है वो तो बहुत से लोग इस हॉल में मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सहाफ़ियों के को कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, और रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है अगेन कराची प्रेस क्लब से शुरू हुई और सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की। निसार मिनहाज बरना साहब प्रेसिडेंट थे, निसार उस्मानी साहब जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी थे PFUJ के, और किस तरह जो है वो पूरे पाकिस्तान में फिर सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां देनी शुरू की। और ये माइंडेड, ये बड़ी अहम बात है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको अंडरमाइन नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जनरल ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के खिलाफ तहरीक का आगाज 1978 में हुआ, 1978 में। क्यों हुआ कि अखबारात से सहाफ़ियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, और जो मुल्क की बड़ी पोलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो तहरीक बहाली जमहूरियत शुरू की वो 83 में शुरू की। तो सहाफ़ियों की जदोजहद पहले शुरू हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज की जदोजहद बाद में शुरू हुई है। इसी तरह आपने कहा कि जो ये TV चैनल्स का जो मामला है ये किस तरह शुरू हुआ, तो इसमें आपको याद होगा जब बेनज़ीर भुट्टो साहब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने CNN और BBC को केबल पर इजाज़त दी, ये केबल पर आना शुरू हुए। उसके बाद जब उनका दूसरा दौर आया तो उस दौर में उन्होंने रेडियो स्टेशंस जो हैं उनको इजाज़त देनी शुरू की, FM 100 बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में उसको इजाज़त मिली, और फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ कि TV चैनल्स को भी प्राइवेट सेक्टर में इजाज़त दी जाए या ना दी जाए। उसकी PTV बड़ी मुजामत करता था, ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, और फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, और फिर जब कारगिल की जंग शुरू हुई 99 में, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है GHQ का, जिसमें कहा गया कि कारगिल की जंग में इंडिया का जो के जो प्राइवेट TV चैनल्स थे उनका बड़ा किरदार था, तो पाकिस्तान में भी प्राइवेट मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। तो इस तरह इन्होंने फिर जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने महदूद पैमाने पर शुरू किया, और इसमें ये आप सब जो है यहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं ये याद रखें कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब ARY की लॉन्चिंग हुई, ट्रांसमिशन सेंटर कहाँ बनाया ARY ने, लंदन में। JioTV की लॉन्चिंग हुई, ट्रांसमिशन सेंटर कहाँ बनाया जियो ने, दुबई में। क्यों?
इसलिए कि उनको पता था कि अगर हम पाकिस्तान में ट्रांसमिशन सेंटर बनाएंगे तो हमारा इक्विपमेंट उठा के ले जाएंगे और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। मैं उस वक्त कंट्री हेड था, परवेज मुशर्रफ के जमाने में 15-15 दिन की मुझे अपलिंकिंग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अपडेट करवा रिन्यू करवाना पड़ता था पैमरा से। तो ये ठीक है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में फिर जब एक दफा शुरू हो गया तो उसको आप कह रहे हैं कि बूम मिला, वो बिल्कुल बूम मिला, लेकिन फिर वही परवेज मुशर्रफ साहब थे ना, उन्होंने 2007 में एक जुम्बुशे कलम से सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और फिर जिस जिसने माफीनामे पे दस्तखत किए उसको रिस्टोर कर दिया। और मैं आपके सामने मिसाल बैठा हुआ हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर में मेरे समेत चार दूसरे जो एंकर थे उन पर 4 महीने की पाबंदी रही। लेकिन जो बात फवाद साहब सही कह रहे हैं वो ये है कि रेगुलेशन जो है वो सारी दुनिया में होती है मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, लेकिन कुछ मुल्कों में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कुछ मुल्कों में नहीं किया जाता। अब जो क्रॉस मीडिया लॉज हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं सारे लॉज जो हैं वो उनकी किताबें अपने साथ लेके आया हूँ कि अगर कोई झुठलाए तो मैं फौरन आपको रेफरेंस पेश कर दूँ। पाकिस्तान में क्रॉस मीडिया ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कानून मौजूद है, पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 में मौजूद है, पैमरा के जो रूल्स हैं उसमें मौजूद है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। उसका नुकसान यह, ये पूरी दुनिया में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो कंसंट्रेशन है आपके व्यूअर्स की और आपके रीडर्स की वो चंद हाथों में वो ना हो। अब एक आरएसएफ की एक स्टडी है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो 4 मीडिया ग्रुप हैं वो पाकिस्तान में 50% जो रीडर्स और व्यूअरशिप है उस पर उनका कब्जा है और इसलिए फिर उनको बिजनेस भी ज़्यादा मिलता है और इसलिए फिर जो बाकी टीवी चैनल्स हैं उनको कम बिजनेस मिलता है। और इसमें 8 टीवी चैनल हैं जो कि 60% से ज़्यादा व्यूअरशिप उनके पास है। तो ये तो होगी बात टीवी चैनल्स की और अखबारात की। इस इशू पे मीर साहब आपका और फवाद साहब का इस पे एग्रीमेंट है, मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर भी इसके बाद आऊँगी। डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिशियंस हैं और ये जो जर्नलिस्ट हैं, क्या ये एडवर्सरीज हैं डेमोक्रेसी को थ्राइव करने में? आई नो क्योंकि यू वुड नो द आंसर दिस, दैट्स व्हाई आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। या ये क्या एक खींचा तानी के जिस माहौल में हम हैं जहाँ पे कंट्रोल करने की भी ख्वाहिश है, और फिर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सिर्फ सियासतदान ही कंट्रोल कर रहे हैं? हम जिस शहर में बैठे हैं, हमने कल देखा अरसलान खालिद साहब कुछ घंटों के लिए गए और फिर, और मेरा ताल्लुक सिंध यूनिवर्सिटी जामछोरो से, मेरा सवाल हामिद मीर साहब से कि मीडिया जो है कोई एंटी गवर्नमेंट काम कर रही है और कोई प्रो गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या ये मीडिया लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से सही है? अगर ये सही नहीं है तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन इसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि सब सहाफ़ी भी एक जैसे नहीं होते, सब सियासतदान भी एक जैसे नहीं होते। 2012 में मैं और कुछ दीगर सहाफ़ी हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और पिटीशन दायर करने का मकसद ये था कि हमारा जो मीडिया है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारा कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का सीक्रेट फंड है इसको बंद करें क्योंकि ये सहाफ़ियों में रिश्वत तकसीम करता है, और पैमरा को प्रॉपरली रेगुलेट करें, उसको इंडिपेंडेंट करें, हुकूमत के असर से आज़ाद करें। वो कई साल तक पिटीशन चलती रही, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस पिटीशन के दौरान 3-4 हुकूमतें तब्दील हुई। जब पिटीशन हमने दायर की तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौकफ की मुखालफत करती थी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी हमारे मौकफ की मुखालफत करती रही, लेकिन हमारी पिटीशन के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया कमीशन बनाया और मीडिया कमीशन की रिपोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करो और जो पैमरा है इसको हुकूमत के असर से आज़ाद करो, इसके लिए कानून साजी करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकती, वो पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने कानून साजी नहीं की और पीका कानून नाफिज कर दिया। जब हमने कहा कि पीका कानून जो है ये ड्रैकोनियन लॉ है, हमसे कहा गया, उनकी मिनिस्टर होती थी अनोशे रहमान साहब, आईटी की मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा ये तुम लोगों ने अमरीकी डॉलर खाए हुए हैं, हम पे डॉलर खाने का इल्ज़ाम लगा दिया, वो चले गए जी। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई, पीटीआई की हुकूमत ने भी वो जो पीका लॉ है उसी में से एक पीका ऑर्डिनेंस निकाला और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
उसकी तफसील जो है वो जैनब आपको बता सकती हैं। लेकिन ये एक नेगेटिव साइड है इन सब हुकूमतों की कि ये हुकूमतें जो हैं ये हर दौर में, अगर मीडिया जो है उसने खुद ही आपको कहा कि जनाब हमें रेगुलेट करो प्रॉपरली, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ और सीक्रेट फंड बंद करो, तो एक सीक्रेट फंड हमने बंद कराया तो 6 दूसरे खोल लिए। लेकिन इन तीनों हुकूमतों की एक पॉजिटिव साइड भी थी और वो ये थी कि इन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन करने की कोशिश की। पहले पीपल्स पार्टी ने कोशिश शुरू की, नहीं हुई, फिर नून लीग की हुकूमत आई, उसने भी नहीं की, फिर पीटीआई की हुकूमत आई, तो पीटीआई की हुकूमत में फवाद साहब और श्री मजारी साहब और बाकी लोग जो हैं इन्होंने एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बना दिया, मंजूर करवा दिया, सब ने उसको अप्रूव कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि एक तरफ मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दिया, दूसरी तरफ आपको नेगेटिव साइड बता दिया कि इनकी एक पॉजिटिव साइड भी है एक नेगेटिव साइड भी है, और इसी तरह मीडिया की भी एक पॉजिटिव साइड भी है एक नेगेटिव साइड भी है। लेकिन एक जो अच्छा जर्नलिस्ट है ना, या आप ये कह लें कि जो असली जर्नलिस्ट है, वो उससे कोई हुकूमत खुश रह नहीं सकती, उससे हर हुकूमत ने नाराज ही होना है। और यहाँ पे इस हॉल में बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो उसके खिलाफ हो जाती है और जो भी अपोजिशन आती है वो उसके फेवरेट बन जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई हुकूमत जो है वो किसी सहाफ़ी की तारीफें कर रही है तो वो सहाफ़ी जो है ये उसके लिए कोई फख्र की बात नहीं है, ये उसके लिए डूब मरने का मुकाम है कि हुकूमत आपकी तारीफ कर रही है। ये पाकिस्तान के हालात में, तो इसलिए अगर कोई चैनल या अखबार जो है वो इस बात पे बड़ा खुश है कि हुकूमत वक्त जो है वो उसको बहुत अच्छा समझती है और उसकी हमायत कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है। और अगर दोनों आपसे नाराज हैं इसका मतलब है यू आर अ परफेक्ट जर्नलिस्ट। चलो इसी नुक्ते पे आफिया का क्वेश्चन है। थैंक यू। अच्छा, मेरे सवाल को मुझे थोड़ा टेलर करना पड़ेगा क्योंकि हामिद मीर साहब ने उसका हवाला दे दिया। मैं उसी मीडिया कमीशन की नॉन इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र करना चाह रही थी जो इनके और अफसार आलम के ऊपर इल्ज़ाम लगने के नतीजे में बना था, और वो सिर्फ इनको बरी करने की हद तक नहीं था, उसकी बहुत सी कंसल्टेशन हुई थी विद द सिविल सोसाइटी, विद द एकेडमिया, और उसमें जस्टिस नासिर असलम जाहिद थे जो कि जुडिशरी के नुमाइंदे थे, जावेद जब्बार जिनका मीडिया का तजर्बा था वो उसके मेंबर थे। उसकी रिकमेंडेशंस हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि मीडिया को रिफॉर्म अगर करना है तो इस तरह से, और उसमें तमाम मीडिया फ्रटर्निटी के इनपुट थी। तो सिर्फ यही नहीं कि हमारे यहाँ कवानीन इम्प्लीमेंट नहीं होते, खुद बनवाए हुए हुकूमतों की तरफ से बनाए गए कमीशन जो हैं उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी पसे पुश डाल दी जाती हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि और रेगुलेशन लानी चाहिए। और बिल्कुल सही हवाला दिया है कि हमारे पास ओवर रेगुलेटेड वाक्या हुआ तो उस पर भी जियो ने बहुत ज़्यादा आईएसआई चीफ जहीर इस्लाम के खिलाफ डब्बे घुमाए, ब्रेकिंग चलाई कि ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। तो क्या नेशनलिज्म पहले होने चाहिए, जर्नलिज्म होनी चाहिए? आप तीनों से थोड़ा मैं चाहूँगा इसका जवाब दे सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जर्नलिज्म जो होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, और नेशनलिज्म जो होती है वो आप कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। तो एक जर्नलिस्ट जो है उसको हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में आप झूठ नहीं बोलते, नेशनल इंटरेस्ट में आप झूठ बोलते हैं। जैसा कि कल एक वाकया हुआ कराची में, एक नौजवान को उठा लिया रेंजर्स ने, उसके घर वालों ने कहा रेंजर्स ने उठाया, उसने डिनाय कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं उठाया, पुलिस ने कहा हमने नहीं उठाया। जब बहुत ज़्यादा शोर पड़ा तो पहले वो नेशनल इंटरेस्ट में झूठ बोल रहे थे कि हमने नहीं उठाया, फिर नेशनल इंटरेस्ट में रात गए 3-4 बजे उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में प्रेस रिलीज जारी की, हाँ हमने उठाया है, लेकिन तनबीह करके छोड़ दिया है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप झूठ नहीं बोल सकते, नेशनल इंटरेस्ट में आप झूठ बोलते हैं। इसलिए जर्नलिस्ट को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। अब आप आ जाएं अजमल साहब पे, फेक न्यूज़ की बात हो रही थी, तो फेक न्यूज़ जो है वो उसका अंदाज़ा लगाएं आप कि वो इतनी मजबूत है कि आपने कह दिया कि जी वो जियो जो है उसने अजमल साहब का घर जो है वो दिखाया, और अगर आप खुल के बात करते तो ये इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाया जाता है। और बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग पाकिस्तान के जो हैं बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए, वो सहाफ़ियों को बुलाकर कहते रहे कि ये हामिद मीर जो है ये अजमल साहब के घर गया और इसने वहां से प्रोग्राम किया और अजमल साहब का घर पूरी दुनिया को दिखा दिया। भाई हामिद मीर आज तक अजमल साहब के गांव गया ही नहीं है, मैंने उस गांव से जाके आज तक प्रोग्राम किया ही नहीं है,
और उसकी खबर सबसे पहले जियो ने ब्रेक की नहीं है, उसकी खबर सबसे पहले वक्त टीवी ने ब्रेक की थी जो बंद हो गया है, और वक्त टीवी से पहले वो खबर एक बरतानवी अखबार ने शाया की थी। इससे अंदाजा लगाएं कि आप जो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जर्नलिज्म के सेमिनार में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि अजमल कसाब की खबर जियो ने ब्रेक नहीं की थी, वो पहले कौन से चैनल ने ब्रेक की थी। हाँ ये बात है कि जिस रिपोर्टर ने वो वक्त टीवी पे वो खबर ब्रेक की थी वो रिपोर्टर आजकल जियो में काम करता है, और वही रिपोर्टर जो है वो बार बार कहता है भाई ये खबर जो है ये मैंने ब्रेक की थी वक्त टीवी पे। तो इसलिए भाई ये जो है ना नेशनलिज्म, नेशनलिज्म जो है वो तो उसके नाम पर गोयबल्स था, जो हिटलर का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था वो झूठ बोलता था और कहता था नेशनलिज्म है ये, झूठ बोली जाओ ये नेशनलिज्म है। तो इसलिए सहाफत जो है वो है तो वो तो है सच, तो नेशनलिज्म के नाम पे अगर आपने सहाफत में झूठ बोल रहे हैं तो नेशनलिज्म जो है उसकी सहाफत में कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट में सच बोल रहे हैं तो फिर आप अच्छे सहाफी बन सकते हैं। लिहाजा प्लीज़ नेशनलिज्म को और प्रोफेशनलिज्म को आपस में मिक्स ना करें। और आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ की बुनियाद पर इसलिए है कि आपको पता ही नहीं है कि अजमल कसाब की खबर सबसे पहले ब्रेक किसने की थी। पहले आप ये खबर का पता लगा लें फिर आप सवाल भी सही कर सकते हैं। अच्छा जी हमारे पास अंबर वक्त 225 था लेकिन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर कपल ऑफ मोर मिनट्स और जस्ट कपल ऑफ मोर मिनट्स। मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा। देखें मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा